अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दर्द से परेशान हैं। अगर हाँ तो ये वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। छोटे मोटे दर्द जैसे घुटने का दर्द, मसल पेन या फिर जोड़ों के दर्द का इलाज हम घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। इनके लिए पेन किलर का यूज ना ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बेहतर होगा कि शुरुआत से ही इनका उपाय कर लिया जाए ताकि दर्द ना बढ़े। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सबसे पहले तो पेन किलर देगा जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आज मैं आपको घर के ही सामान से दर्द नाशक तेल बनाना बता रही हूँ जो कि मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ और मेरे घर में इसका ही उपयोग किया जाता है छोटे मोटे दर्द के लिए। इससे आप मसल्स पर हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो मसल्स मजबूत होंगी और ये तेल बहुत ही लाभकारी है। इसे आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है दर्दनाशक तेल। मैं छोटा सा तड़का पैन ले रही हूँ पैन किलर ऑयल बनाने के लिए। आप कढ़ाई या पतीला भी ले सकते हैं। इसमें लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को अल्ट्रा वायलेट किरणों और पॉल्यूशन से बचाता है, साथ ही झुर्रियों में भी राहत दिलाने में हेल्प करता है। फ्लेम लो रखेंगे और सरसों के तेल को गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ किचन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो सभी के घरों में अवेलेबल रहते हैं। लगभग 2 मिनट के बाद ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच मेथी के दाने, साथ ही ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां। मीडियम साइज की हैं, बड़ी हो तो आप 10 ही ऐड करना। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और अब इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि मेथी के दाने और लहसुन काले न पड़ जाएं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मेथी में वो गुण पाया जाता है कि अगर शरीर में कहीं गठान पड़ जाए तो इसकी मालिश से ठीक हो जाती है और मेथी को अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। लहसुन में एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण मौजूद होते हैं जो कई प्रकार के संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। मेथी के दाने काले पड़ गए हैं और लहसुन भी। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और तेल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए तेल हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम छान लेंगे और ये जो लहसुन और मेथी है इनको अलग कर देंगे। अब इस तरह की खाली बॉटल ले लेंगे ऑयल भरने के लिए। इससे हमें ऑयल यूज करने में आसानी होगी। ठंड में ये तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। नहाने के बाद तुरंत शरीर पर लगाने से फंगस या रूखी त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाती है और ये तेल मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। मसल्स पेन हो या रीढ़ की हड्डी का दर्द, कोई भी दर्द हो, लगाकर हल्के हाथ से मालिश करने पर बहुत ही राहत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।